ये गाइस जनरल की वाइब्स, पीछे लड़ाई भी चल रही है। ए मंचूरा स्टेशन पे अब सोच रहे जाना का है। दो साल का मस्त। हेलो गाइस, तो ये एक काफ़ी स्पेशल व्लॉग होने वाला है। मेरे चेहरे पे कुछ ज़्यादा ही हंसी दिखती होगी। हम लोग जा रहे हैं मथुरा दर्शन करने के लिए, मैं मेरे दोस्त। तो ये हमारी फर्स्ट ट्रिप होने वाली है और भाई बहुत, मैं अभी से सोच पा रहा हूँ कितने मस्त होने वाली है। तो अभी प्रिपरेशन हमारी सब हो चुकी है, कपड़े वपड़े पैक है, लेकिन मौसम हमारा साथ नहीं दे रहा है। अभी देखो मैं वीडियो बना रहा हूँ, बारिश शुरू हो चुकी है, देखते कुछ। तो कहते हमारे 3 बैग जाएंगे, तो अभी टाइम 6:30 के आसपास हो चुकी है और आप हमें निकलना चाहिए कोटा के लिए। यहाँ से पहले कोटा जाएंगे। गाइस गाइस मौसम देखिए, तूफानी हवा चलते हुए, लेकिन हम नहीं रुकेंगे, हम जाके रहेंगे। तो गाइस अभी हम बस स्टैंड पर वेट कर रहे हैं बस का, 10-15 मिनट के यहाँ से बस आएगी, फिर हम जाएंगे यहाँ से कोटा, फिर आगे दिखाते हैं। तो चलो गाइस बस आ चुकी है। पंडित पहले अपना चले गया, सीट वीट कवर कर ली होगी अंदर। चलो भैया निकल, चलो यहीं बैठ जा, यहीं बैठ जा। ऊँची मतलब भाई पेट्रोल पंप होता है, टॉयलेट करते हैं पीछे। तो भाई कोटा तो हम पहुँच चुके हैं, तो अभी हम जा रहे हैं पेट्रोल पंप, क्योंकि हमें अपना पेट्रोल खाली करना है यार। कब से टॉयलेट आ रहे हैं हम दोनों को भैया, वो तो मिल जाए यार। आ गया है कि हमारी जो ट्रेन है ना वो 12:30 के आसपास है, पर टिकट नहीं, जनरल में जाएंगे। कंडीशन देखना आप, मज़ा आने वाला है। तो अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, अभी करीब 8 बज रही है, तो हमने सोचा कि ये मॉल है, यहाँ पर मॉल में थोड़ा घूम लेते हैं, फिर जाए चलेंगे स्टेशन। ये देखो गाइस हिमांशु को पकड़ लिया था अभी, ब्रेक रखने की बड़ी दिक्कत है, ठीक लग रहा है भाई ये तो नहीं, ठीक है रख दो भाई, थैंक यू भैया। हमें तो मेन जाना है जूडियो में, वहाँ का कलेक्शन देखना है एक बार भाई। हम तब से यहाँ पर घूम रहे हैं ना, हम तब से यहाँ घूम रहे हैं, हमें अपने लायक कुछ मिल नहीं है, पूरा लेडीज सेक्शन है। हाँ भाई जैन सुपर है पंडित, हमारे लगेज वगैरह टांग के खड़े। तो फाइनली बॉयज़ कलेक्शन में आ चुके, इस सेम मेरे पास पड़ी है, मथुरा में पहनूँगा, मुझे बिल्कुल ठीक ठीक लगी, देखेंगे कि मेरे पे कैसे जमेंगे। मथुरा जाना है, लगा ले, मैं भी लेडीज यूज़ करता हूँ। तो फेमस कर रहा है पब्लिक को, मेरे को भी तो ये पसंद है, मैं भी ये लेता। तो लेना भाई क्या कर रहा है, सही तो सेम ही ले रहा, ले 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 ले, अब बंद कर रहा हूँ मैं भाई, मैं सारे लेडीज के आइटम ले रहा हूँ आज। ये मुझे कन्फ्यूज हूँ क्या लूँ, ये वेट वाइप्स भाई कौन सा लूँ। तो गाइस मॉल से तो बाहर आ चुके हैं और हमने लिए लेडीज़ आइटम, पता नहीं कुछ फेस साफ करने का है, कुछ परफ्यूम लेडीज़ है, मतलब बताना पड़ता है ना क्या, मतलब कल को तू निकले परफ्यूम लगा के तो लोग एक बार बोल रहे तो सही कि हिमांशु लेडीज़ परफ्यूम, लेडीज़ नहीं है वो जेंट्स है, लेडीज़ नहीं महिला परफ्यूम है। 600-700-800 रुपये तो मैंने कमा लिया है। स्टेशन अभी भी तो वहाँ है पता नहीं, हाँ घूमने जा रहे हैं। अच्छा ये चीज़ें बेचते हैं यहाँ पे, अरे ये ओरिजिनल है, सच्चा ये वाला सीधा रास्ता के रात है, ये भी तो सुल्तान बता रहा था रास्ता, ये ओरिजिनल है। अच्छा हेरा फेरी का ऐसा कुछ, तो ये कितने का बेचते हो यहाँ आप भैया? दे 20,000 का, के लिए नहीं चलेगी ये पीस, इसके फिर इसके साथ ऐसे हो, पहले तो ऐसे रहो थोड़े टेढ़े, फिर उसके साथ ऐसे हो के ऐसे हो जाए, ना तो वो कहीं जानी ना फिर। तो आपने पटा ली? बहुत टाइम पहले निकल गया है। हाँ बंदी एक थी, एक थी उसके बाद दो दो बंदी थी, जब वो नहीं थी अभी तो डायलॉग मार रहे, बाद में बाद में कि एक एक बाद में बाद में बाद में, अच्छा बाद में एक और कर ली, तो अभी है अब नहीं, अब तो तुम्हारी भाभी, तुम्हारे एक भतीजा, एक भतीजी के, अच्छा बच्चे हो गए, भतीजा भतीजी तेरी स्कूल में जाती है, अच्छा 5 साल की है, और इनका शादी हो गई, लड़का 2 साल का मस्त है, कहाँ अक्षय कुमार है भाई, हम दूसरे ना तो किसी का दिल दुखाते हैं,
ना ही कभी किसी का गलत बोल दो। भाई अभी करीब 11 बनने वाली और हम स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। 500 मीटर दूर है स्टेशन का एरिया पूरा, और जाते पहले हमें जनरल का टिकट लेना है, फिर वहाँ वेट करेंगे। बस वहाँ भीड़ कम है भाई। भाई मुझे छोले कुलचे नहीं मिल रहे, मेरे को छोले कुलचे ट्राई करने हैं बहुत टाइम से। चले चलो चले चलो भाई, भीड़ हो रही है, फटाफट टिकट लेते भाई। भीड़ को ज़्यादा लंबी नहीं है, ओ तेरी। कल नीट का एग्ज़ाम है ना सबका, तो भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है। फाइनल टिकट कट गया। चले भाई हिसार। हिसार में गए पेपर भाई, नीट का एग्ज़ाम है, जयपुर और दिल्ली जा रहे हैं। ये देखो भाई जनरल की हालत कुछ ऐसे होने वाली है, और हम भी अभी कुछ देर बाद इनमें से एक होंगे। अरे इसकी हालत ऐसी क्या पता अपने डब्बे की नहीं है। अरे यार एग्ज़ाम के तरफ क्या भाई, इतनी गंदी भीड़ हो रही है ना, बहुत ज़्यादा भीड़ देखो, फुल भर के जा रहा है। अभी हम पंडित और मैं भी ऐसे लटकते हुए दिखेंगे। रेडी हो जा। और उसको सीट रोक रखी है। रोक रखी है हाँ। तो वो जनरल में बैठने कोई बड़ी बात होती है। तो गाइस फिक्स 12 बज चुकी है, क्योंकि उसकी लोकेशन मिल रही है। कुछ नहीं मिल रही मेरे को लोकेशन वगैरह, देख देख। अरे यही आएगी, इधर ही आएगी, टेंशन मत ले। अब है असली जंग, 5-6 लोगों के बीच में अपन को घुस के अपनी सीट ढूंढनी पड़ेगी। कहाँ दूसरा तीसरा कर रहा है पागल औरत, कहाँ सीट का स्लीपर। भाई सीट तो रोक ली। पंडित आराम से आ रहा है, जैसे उसकी शादी होगी। मैं पता है भाग के आ रहा हूँ बुरा वहाँ से। फाइनली ट्रेन मिल चुकी है, तू तो आराम से चलते हुआ आ रहा है। सीट रोक ली, मुझे भरोसा नहीं था कि पूरी सीट ऐसे रोक रखी। फ्रेम ले लेना अच्छी। ये गाइस जनरल की वाइब्स, पीछे लड़ाई भी चल रही है। ये फ्रेम ये तो इस देखो लड़ाई का हो रही है। भी जनरल में आम बात है, लड़ाई पूरे सब जनरल ट्रेन में आया, लड़ाई नहीं देखी अभी। तो पबजी खेल के बताऊं क्या, एस पे गया नहीं क्या तू? एस पे आ गया ना। हां मेहनत करता लड़का, एस पे जा रहा है। जनरल ट्रेन की लड़ाई भी देख ली। और क्या होता जनरल, एक हाथा पाई हो जाती ना। तो जनरल की पूरी वाइब मिल जाती है भाई, सीट मिल गई। वो है वो वाली वाइब नहीं मिल रही थी कि हम खड़े होके जा रहे हैं। एक्शन वो वाली वाइब नहीं चाहिए। एक्शन सीन हो जाता भाई। खाना खाते हैं, मेरे को भूख लग रही है। अब ये रख दे, सुन सारी सब्जी इधर रख दे एक साथ। काटो रे क्या चाकू। तो ये बता पनीर की सब्जी कहाँ गई? थर्माकोल काटते से। तो पनीर का वेट कर रहा था। हाँ मुझे लगा मेरे दोस्त मेरे लिए पनीर बना के लाया है। क्या उसको पता पनीर तो बना। सोच अगर मैं अभी पनीर का ढक्कन खोलता बस धुआं निकल रहा होता है। पनीर ही निकल रहा होता, ग्रेवी निकल रही थी पनीर पनीर का डाइट। भाई इसका क्या हो गया। चल भाई रोटी खोलो भाई, भूख लग गई। सुन ये इसको पैक करो। अरे यार अभी नींबू पागल है क्या, अभी वो आएगा नीचे। लॉग ऑन करके ये मस्ती कर रहा है ना। मस्ती मैं पहले भी कर रहा हूँ। तूने बोला कि इसको रिकॉर्ड कर, तूने बोला इसको रिकॉर्ड कर। अब हम खा रहे हैं, जब तुझे नींबू मिले तब तू खाना खा ले, भूख लग रही है। पंडित तेरे को अभी भी लगता है कि हमारे पास नींबू हो सकता है क्या? तो मैं और बैठ कर सब्जी है तो तू नहीं खा रहा। हाँ तो तू जा, तू घर जा। सकता है अपन को कोई शंका है कि अपने पास नींबू है तो मैं बैग लाऊं? तो वो भिंडी की सब्जी भाई, वैरायटी ऑफ खाना बता भाई। हमारे पास बहुत खाना है, आलू की सब्जी थे, नमकीन थे, अचार थे, भिंडी थे, बरमा सब्जी थे, पराठे भाई। नींबू मिसिंग है बस, मैं अभी भी चाहूँ। ये पंडित अभी दिखा रहा है जादू यहाँ की जनता को। लगन देखो लड़के में, ये बन गए 8 साल। अब इनको क्या करना है, ऊपर नीचे और आगे पीछे ऐसे पीछे हाथ रख के।
ऊपर नीचे आगे अब जो काका जैसा आएगा ना ऊपर वो गेम से बाहर है, उसका नाम लिखा आएगा वही गेम के अंदर, ठीक है। ऊपर आएंगे वो गेम में, जो ऊपर नहीं आएंगे वो गेम से बाहर है, ये गेम के अंदर है, पकड़ लो ये गेम से बाहर है। शुरुआत में पर्चा दिया था, रिएक्शन लेना चेहरे का। ओह माय गॉड, तेरे पर्चा देख कर भाई मेरे को भी पर्चा दिया था इसने, तेरे में पर्चा का भूल जाए, उसमें भी शादाब नाम है। ओ सही निकला जादू तो इसका यार बंगाली बाबा है। चाय चाय एक चाय भाई बोल कुछ कैमरे के सामने कुछ नहीं बोल रहा, सबसे परेशान कर रखा है। उठ और बैठ क्या जल्दी उठ, चल 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 उठ उठ। अच्छा 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 अगली बार कुछ बोला तो मैं एक आप दे दूंगा। अच्छा बच्चा बेचारे में सुरेंद्र सो कैसे रहा है, हम जगह में ये सो रहा है, यही दिन तो बाद में याद आएंगे, ये लाइन यही दिन तो बाद में याद आएंगे, मुझे बहुत दर्द देती है। हाँ मैं सोलू व्लॉग बना लेता हूँ, मथुरा बस में आ गए तो थोड़ा मथुरा है ना ध्रुव, ये आ चुके हैं मथुरा। ग्लाइस 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 निकल रहा है मेरे मुंह से। गाइस प्लान देख रहे हम स्टेशन पे, अब सोच रहे जाना कहा है, डिसाइड करते कि कौन सी जगह पे जाना है, कहा जा कर रहे हैं। सुन कुछ ऐसा बोल जो सुनने में अच्छा लगे, पता कहाँ जा, सच में मैं सीरियस हूँ, कहाँ जा रहे हो? इस्कॉन चलते हैं। इस्कॉन अभी सुबह सुबह, अरे वृंदावन जब वृंदावन में इस्कॉन है कहीं जा, पहले मैप को हमको पता लग जाए फिर बताते हैं। घाट जा रहे, घाट नहाने सुबह सुबह 4 बजे नहाना, मतलब शुद्ध हो जाता है दिमाग। 4 नहीं मैं तो लेट, मतलब कितना टाइम, आधा घंटा लेट चल रहा है ना। ना भाई 5 बनने वाली है। गाइस अभी सुबह के 5 के ऊपर हो चुके हैं, अभी हम जा रहे हैं मथुरा में विश्राम घाट, वहीं पर हम नहाएंगे धोएंगे। अच्छा तो रईसों की दुकान नहीं है या ई रिक्शा में मजे चल रहे हैं। गाइस अभी हम आ चुके हैं अपने फर्स्ट प्लेस पे, घाट पे आ चुके हैं विश्राम घाट पे। सच में रिलैक्स अच्छा फील हो रहा है, अभी यहाँ पानी आ रहा है उसमें नहाएंगे। वही देखो वही ये बंदा फुटेज खाने कैसे रहता है हर बार यार। गाइस भाई हम भी अभी ऐसे जाने वाले हैं, भूखा रह गया ये आएंगे चड्डे में। चलो गाइस हम भी चलते, शायद वीडियो नहीं बना पाएंगे, पहले नहा लेते बनेगी तो ठीक, बहुत टाइम बाद सुबह नहा रहा हूँ। तो गाइस अभी हमने यमुना नदी में नहा लिया है और अभी हम कपड़े वपड़े चेंज करते हैं, रेडी होते हैं, फिर मंदिर घूमना स्टार्ट करेंगे, दर्शन करना।
गाइस मंदिर के अंदर हम जैसे कि वहाँ रिकॉर्डिंग के लिए बंद का बोल रखा था तो हमने वहाँ रिकॉर्डिंग करी नहीं, जिस हमने कहा सर कोई बात नहीं हम दर्शन वगैरह करें, अभी हम जा रहे हैं कंस किला में, वहाँ रिकॉर्डिंग अलाउ होगी तो पक्का दिखाऊंगा। यहाँ की गलियाँ भाई मस्त लग रही है, और इधर उधर इधर उधर छोटी छोटी गलियाँ, छोटे छोटे मंदिर काफ़ी सारे, और बंदर बहुत हैं यहाँ पर, बहुत सारे बंदर हैं। शायद हम कंच किला आ चुके हैं, ये तो घर है क्या है ये? तो गाइस ऐसा है कुछ दिखने में कंस महल, अरे पीछे का व्यू देख पा रहे होंगे इसके नीचे लोग रहते हैं, कपड़े सब सूख रखे हैं उसके, क्या ऐसा कुछ वो देखो बंदर कैसे वही क्लोज सब मिल जाए। और देखो बच्चे को परेशान कर रहे हो तुम कितना मस्त लग रहे है, आ जा और हमारा होली भाई के बंदरों के साथ। ठीक है ठीक है ठीक है, उसे कान काट रहा है वो, अरे ठीक है ना ठीक है, मैं तो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूँ, प्यार का हाथ, ठीक है प्यार का हाथ, प्यार का हाथ, ठीक है जा रहा हूँ। उसको कैसे काट रहे भाई, उसको काट रहे वो। तो गाइस मैंने हमने अभी देखा कंस किला, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इधर सनराइज देखने के लिए आना चाहिए, वहाँ से अच्छा व्यू आएगा, मतलब ज़्यादा कुछ थोड़ा बहुत व्यू है ज़्यादा। अभी हम जा रहे हैं कृष्ण जन्म स्थान, यहाँ से करीब 1.5 के आसपास किलोमीटर है, तो हम वो थोड़ा पैदल ही देख लेंगे, चलते हैं। हमें पता है नींद भी आ रही है, हम सो ही नहीं है ढंग से, कहना कि सोने और बैग रखने का मेन हमें बैग दिक्कत दे रहा है। जब भी यहाँ पर पीछे हमारा दोस्त खड़ा हुआ है, ये सारे बैग वगैरह जमा करवाएंगे, शायद फ़ोन भी हमारे इधर जमा होगा, तो वीडियो तो कुछ बनी नहीं पा रही हमारे, हर मंदिर में फ़ोन अलाउ नहीं है, जहाँ अलाउ है वहाँ थोड़ा बहुत बना रहे हिमांशु की मेहनत देखो खड़ा हो तो इतनी बड़ी भीड़ है। हाँ तो कंफर्म हो चुका है, घड़ी वड़ी फ़ोन वगैरह कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम कुछ भी नहीं बनवाती है, सब जमा करा देंगे हम, मिलते हैं बाद में। तो गाइस अभी हमने घूमना कृष्ण जी का जन्म स्थल, फ़ोन बिल्कुल बैन था वहाँ पर, फ़ोन वोन कुछ भी नहीं था, तो हम तो घूम के आए, टीका वगैरह भी ऐसे लगवाया। अब हम जा रहे हैं गोवर्धन पर्वत की तरफ, वहीं स्टे करेंगे थोड़ा रेस्ट करेंगे, क्योंकि अब लग रहा है रेस्ट करना चाहिए, खाना वाना भी अभी खाया नहीं है, सुबह के 9:30 हो चुके हैं अभी। गोवर्धन की बस मिलने में दिक्कत है, गोवर्धन चौराहे से काका में आपके लिए गोवर्धन के लिए ऑनलाइन चाली मिलेगी, ईको में बैठ जाना बस में या टेम्पो में, गोवर्धन चौराहे 206 है क्या? हाय गर्मी। तो गाइस हम आ चुके गोवर्धन पर्वत की तरफ, अभी हमें रेस्ट करेंगे। सही बताओ मेरे ट्रिप में मेरे झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं लोगों के साथ, झगड़े करने में दिमाग जा रहा है। अरे तो गाइस खाना वाना खा के आ चुके यार, वहाँ भी पता है वीडियो बैन थी, कॉल फ़ोन यूज़ करना बिल्कुल बंद है यहाँ, हर जगह फ़ोन बंद है। हम व्लॉग क्यों बना रहे हैं, हम व्लॉग थोड़ी बना रहे यार, व्लॉग बन ही रहे जहाँ जाओ मोबाइल बंद कर, इसका कॉल आया इसको डांट पड़ गई, वहाँ खाना खाते खाते लड़ाई जा रही है, मतलब जहाँ होता है वहाँ लड़ाई हो जाती है कुछ, या फिर वीडियो ऑन नहीं रहती, फोन प्रोबिलिटी रहता है वहाँ पे, क्या कर रहे हैं हमारे मथुरा में? अभी असली लस्सी कपड़े पहन के आना दूर, मेरी दो लोगों से बहस हो गया, मेरी एक से होने वाली वो तो साथ था। चलो अब आगे का अच्छा जाएगा, बस सोने के बाद मिलते हैं यार नींद भी। तो गाइस अभी हम सो के उठे और 3-4 घंटे सोए, तो हमने ये रूम ले रखा है यहाँ पर, तो ये रूम करीब हमें 500 रुपये का पड़ा, इसमें हम चार लोग शायद अक्सर भी आएगा तो रह सकते हैं, तो ऐसा कुछ कार्ड दे रखा है इधर, ठीक है मतलब इस कार्ड के बिना तुम्हें एंट्री नहीं है, इस कार्ड को संभाल के रखना है, बहुत स्ट्रिक्ट माहौल है यहाँ। तो अभी इस ब्लॉग को ये एंड करते हैं, इसके बाद हम जाएंगे गोवर्धन घूमने, फिर वहाँ पर हम 21 किलोमीटर की परिक्रमा लगाएंगे, मज़ा आने वाला है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर लोग इसे लाइक करना, चैनल पहले सब्सक्राइब करना, थैंक यू फॉर वॉचिंग।